की गरीबी की देख कर, और नेता आते ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर पाता है। कौन सुनाई करे, हमारी सुनाई नहीं करते कोई भी। इस बस्ती की पूरी हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और बस्ती के एक और छोटी सी गली में हम आप पहुंचे हैं। इस गली में भी जाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका? नारो। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ से? हमने 50 साल हो लिए। 50 साल से? 50 साल हो लिए इसी जियो पे है। रुगजार से भी रुगजार, कुछ खाने को भी पहनने को भी कुछ मिलता ना। पहला बैलों का व्यवहार था वो भी बंद हो गया, लोहे का व्यवहार था वो भी बंद हो गया, कुछ इला ना। बीमार से मार पानी से दवा ले रहे, दिन काट रहे। ना पानी है, ना बिजली है, ना बिजली है, ना पानी है, ना लैटरिन है, कुछ ना है। पड़े हम तो बेकार पड़े, आकर देख लो तो हमारा इला देख कैसे हो रहे कुछ। आइए आइए नेताजी, देखिए इन बूढ़ी माँ के, बूढ़ी माँ का दर्द समझिए, कैसे ये जी रही होंगी इस आधुनिक भारत में। जीरी सारी सूख गई, 25 साल की लड़की कुंवारी बैठी, बगर पैसे बगर कुंवारी बगर हिले बैठी, बस न्यू है अपनी इज्जत लियो बैठे बगर पैसे बगर, टूटी फूटी झोंपड़ी में पड़े। बगर नेताओं से क्या कहना चाहोगे? नेताओं जी, मारी बच्चियों खातर पैसे दे भेजो, हमारे घर झोंपड़ी करवा दो। बारिश हो 50 साल से यहाँ पड़े, यहाँ पड़े 50 साल तक, बहुत वीरान हो। अब तो आ जाओ, 50 साल से नहीं आए, अब का दर्शन दिखा जाओ, दिखा जाओ तारा गरीबों का। आजादी के 70 साल बाद भी यह हालत है कि 50 साल से एक जगह पर रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रीमा। कुछ भी ना, कुछ भी ना कर। मेरी लड़की का शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। आहो बाहर ही जावा, रात को भी बाहर ही जावा, पास भी नहीं है कुछ भी, उधर झोपड़ी जावा पर है। हम तो जवान हो गए हैं जब से देख रहे, जब यहाँ से पैदा से यहाँ से ही सारी चीज हो रही है। एक भी नहीं आया नेता, हमने नहीं देखा नेता को, कभी भी नहीं देखा। 50 साल बीत चुके हैं लेकिन नेताजी यहाँ पर नहीं पहुँचे। एक और महिला हमारे साथ बैठी है, चटनी के साथ रोटी खाई जा रही है। हालांकि चटनी और रोटी का मेल ही अलग है, बेहतरीन मज़ा आ जाता है, लेकिन एक बार नेताओं आइए, एक बार जरा एक बार चटनी और रोटी का भी स्वाद लीजिए, खाकर देखिए, इस हुक्के को भी गुड़गुड़ा कर देखिए जरा कैसा स्वाद इस हुक्के के धुएं में आता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? 50 साल हो गए। लड़के तेरे से बच्चे थे वो भी मारे जवान हो लिए, लोंडिया भी मारी नी बैठी कमारी, बिगर पैसा बिगर इनकी शादी बिगर भी। एक बार भी नेता नहीं आया? नहीं नहीं, नहीं, नहीं एक बार भी ना आया। वोट डालने जाते हो? वोट डालने, वोट डालना जावा, कोई समस्या नहीं करते हमारी, सब बात सबको देख ली। दुर्भाग्य की बात है कि वोट डालने लोग जाते हैं लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। चाचा आपका नाम क्या है? बताया था ना मुझे, बताया मेरे साल। क्या नाम है? परेशान मत हो, बताओ ना आप क्या हो गया, जवाब दो। खदान। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? इतने से रह रहे 50 सालों। हाँ। नेता वेता के पास गए आप अपनी समस्या लेकर? नहीं गए, नहीं गए। किसी ने भी मालूम नहीं। शायद हो सकता है कि जब नेता सुनेंगे ही नहीं तो फिर जाएंगे कहाँ, और बार बार समस्या लेकर एक नेता के पास कब तक भागते रहेंगे। चलिए ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, ऐसा अगर हम देखें तो घेर होते हैं गांव में, वहां पर गाय और भैंसों को रखा जाता है, लेकिन यहां तो बगल में ही वहीं रह रहे हैं वहीं, और गाय और भैंस रह रही हैं। समझ नहीं आता इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रह गया आज के वक्त में। गोबर आपको यहां दिखाई देगा, चारों तरफ गोबर की खुशबू, और यहीं रह रहे हैं। एक बच्ची रोती हुई यहाँ, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? हैं, क्यों रो रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो? नेताओं से इतनी परेशान है, इस बच्ची को भी रोना आ गया, इस बच्ची को भी अपनी बदहाली समझ आ गई है। छोटी सी बच्ची है, कुछ नहीं जानती है, लेकिन शायद ऐसे भी समझ आ रहा है कि नेता हमारी नहीं सुनते, हमारी हालत ऐसी रहने वाली है। क्या नाम है आपका? बेटा आप इधर आ जाओ। महावीर है। महावीर जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो हमें 30 साल हो गए। 30 साल से रह रहे हैं। कितने नेताओं को जानते हो यहाँ पर? शहरों को जानते हैं। आते हैं नेता आपसे मिलते हैं? अबे बतेरी, अबे कुछ भी नहीं करके देते, नहीं कह कर चले जा है ना, ना सब नहीं, में कोई पानी भर रहा, कोई कुछ हो रहा, हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, हाँ सब कुछ है। ईश्वर की आराधना करने के लिए नेताओं ने मंदिर तक नहीं बनवाया, मंदिर तक टूटे पड़े हैं। माता जी आप क्या कर रहे हो?
आप लोहा छेत रहे, मेहनत कर रहे। शाम को रोटी खानी होगी इसीलिए है ना। रोटी भी नहीं मिलती पूरे दिन में, क्या करूं। साबत दिन में 150 रुपए की आमदनी नहीं होती। घास भी चाहिए, बच्चे भी है छोटे छोटे, पानी भी नहीं। नेताओं को जानते हो? हम कौन से नेता को नहीं जानते ना। हालात है कि आज लोग नेताओं को नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, वोट डालने तो जाते होगे? वोट डालने तो जाओ। कितनी बार वोट डाला है? हमने तो कई दफा डाले को 300 साल हो गए। अब सहूलियत नहीं हुई। पानी दे कितना भर रहे देख गए थे, वो हमारी नहीं है। उसमें पानी भरिया ना झुग्गी झोंपड़ी गेरी, ना पानी बंद होया ना झुग्गी झोंपड़ी डाली। हैरान करने वाली तस्वीर है। हम भी भावुक से हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि रोऊं इस देश की बदहाली पर या फिर वाकई में नेताओं को कोसूं। दुख की बात है कि तस्वीर आज भी देख, ये सब बनाए जाते हैं, उसके बाद अपना खर्चा चलाया जाता है। रोटी मिल जाती है, कभी नहीं मिल पाती। लेकिन दुख होता है ऐसी तस्वीरों को देखकर जब हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्या बना रही हो शाम के खाने का इंतजाम? आओ बेटा साइड में हो जाओ आप। चलो शाम के खाने का इंतजाम? कौन से नेता को बुला रहे हो? पता नहीं, बताओ जी। बुला दो किसी नेता को तो बुला लो। बोला आ जाओ हमारे साथ भी खाना खा लो। नरेंद्र मोदी को बुलाऊंगी। मोदी जी को बुला रहे हो? प्रधानमंत्री जी से क्या बोलोगे बताओ? क्या बोला कि हमारी सहूलियत करो, आ जाओ खाना खा लो हमारे यहाँ। राहुल गांधी को नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे जो हमारी सहूलियत करेगा। और वोट कितने साल से डाल दी? 30 साल हो गए। मैं तो वोट डालते 30 साल से वोट डालते। हमारा तो बचपन भी यहाँ पर ही गुजर गया, यहाँ की पैदा से हमारी बचपन भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन हालात तो कुछ नहीं बदले। कुछ नहीं बदले, उसी गंदगी में रहना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। योजनाओं के बारे में भी नहीं पता जो सरकारी योजनाएं चलती हैं? कुछ भी पता नहीं है। साक्षरता को नहीं बढ़ाया गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान आज इस देश को हो रहा है। साक्षरता अगर बढ़ाई जाती तो शायद लोग गरीब भी ना रहते, बेरोजगार भी ना रहते और ऐसी बदहाली में जीने को मजबूर ना होते। जिस इंसान को नहीं पता कि योजनाएं कौन सी हैं और कहां से आई हैं और किस तरीके से ये योजना मुझे फ़ायदा देगी, तो वो कैसे योजनाओं का फ़ायदा ले पाएगा। दूसरा सवाल नेताओं से भी है कि नेता आखिरकार वोट डलवा लेते हैं, वोट मांगते वक्त आ जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत विकास की होती है तो कोई भी नहीं पहुँचता। लेकिन इस जगह पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 50 साल पूरे बीत चुके हैं, पाँच दशक में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव। आप कह सकते हैं कि लोहे को सोना बनाया जा सकता है 50 साल में, 5 दशक में, लेकिन आज 50 साल बाद भी इस इलाके की हालत यही है। देखने वाली बात होगी अब कौन सा नेता यहाँ पर आएगा, कौन सी पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे। दलितों का हितैषी होगा, मुसलमानों का हितैषी होगा, हिंदुओं का हितैषी होगा, किसका हितैषी होगा, या फिर इन गरीबों का हितैषी होगा जो यहाँ पर आएगा और इनकी बदहाली को समझेगा और उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचने की ज़रूरत है। ये तस्वीर अखिलेश यादव भी ज़रूर देखें इस पूरे प्रोग्राम को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप भी इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, और तमाम वो राजनेता जो जनता से वादे तो करते हैं लेकिन वादों को निभाते नहीं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ में नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे। हमारी गरीबी की देख कर और नेता आते ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर पाता है। सुनाई करे, हमारी सुनाई नहीं करते कोई भी।